दर्शन न्यूज टॉप 10 में स्वागत है माया प्रसाद। राजनीतिक उद्देश्य को निम्ति हतपत मंत्री को राजीनामा मांग गलत भएको प्रधानमंत्री दाहाल को भनाई। स्पष्टीकरण को मौका नदिकन राजीनामा नदिए संसद चलना दिदेनौ भन्ने संस्कृति राम्रो नभएको उल्लेख। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा पाटन स्थित कृष्ण मंदिर को दर्शन। सुंदरी चोक पुलचोक केशव नारायण चोक र पाटन संग्रहालय को समेत अवलोकन। कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंग द्वारा नया सरकार गठन का लागि आह्वान। साउन 16 गते अपराह 5 बजे भित्र संविधान को धारा 168 दुई बमोजिम सरकार गठन करने तैयारी। पूरक संख्या नपुगे लेखा समिति को बैठक स्थगित। 26 सदस्यीय समिति में कोरम का लागि 14 सांसद आवश्यक पर्ने। बैठक में 13 जना सांसद मात्र उपस्थित। वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व मुलुक को अवस्था परिवर्तन में अलमलिएको राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हा को भनाई। राजनीतिक नेतृत्व ने नेपाली जनता को अवस्था परिवर्तन गर्न भने नसकेको आरोप। 6 महीना भित्र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूल परिवर्तन होने स्वास्थ्य मंत्री मोहन बस्नेत को प्रतिबद्धता। सरकारी अस्पताल में 3025 वटा सैया। गरीब तथा विपन्न वर्ग का लागि निःशुल्क छुट्याइने काम भएको जिकिर। बलात्कार आरोप में सरकारी इंजीनियर हरिकुमार पोखरेल पक्राउ। पक्राउ परी अनुसंधान को काम भइरहेको जिला प्रहरी कार्यालय काठमाडौं को जानकारी। निर्वाचन कानून को मसौदा संविधान को प्रावधान विपरीत भएको भन्दै लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा मुद्दा हालने तैयारी। निर्वाचन संबंधी कानूनले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको ठहर। फिलिपिन्स में ढुंगा पल्टिदा 21 जना को मृत्यु। 40 जनालाई जीवित उद्धार। उद्धार कार्य जारी रहेकाले मृतक को संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। विश्वकप फुटबल अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका बीच को खेल बराबरी में 2-2 गोल को बराबरी में पछि दुबई टोली ने 1-1 अंक छोड़े। हवस् त यूनिवर्सल न्यूज टप 10 अहिलेलाई यति नै। हेर्दै गर्नुहोला यूनिवर्सल टेलिभिजन। नमस्कार।